हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मारुति एस्प्रेसो का डैशबोर्ड साफ़ करने वाले हैं और ओमनी को भी धोने वाले हैं। और एस्प्रेसो को ऑलरेडी हमने जो है साफ़ कर लिया है, बाहर से पूरा वॉशिंग करा लिया है। और ये फर्स्ट टाइम जो है हमारे घर के पास आया है, क्योंकि पहले से कभी घर के पास मैंने लाया नहीं था सिम। अब जो है अंदर आया तो इसको अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर देना है, और इसके डैशबोर्ड को भी हम फॉर्म से जो है साफ़ करने वाले हैं, क्लीन करने वाले हैं। कई सारे वीडियो में आपने देखा होगा, फॉर्म से अगर डैशबोर्ड साफ़ करते हैं उसमें जो भी दाग होते हैं छोटे मोटे, सारे जो हैं ख़त्म हो जाते हैं। तो वाकई में प्रैक्टिकली तौर पे मैं देखने के लिए यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ, और सीट में भी जो दाग है वो भी जाते हैं या नहीं, ये सारा चीज़ जो है हमें चेक करना है। तो मैं यहाँ पे सीट में भी थोड़ा लगा देता हूँ। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। हम आपके लिए इसी तरह लेटेस्ट वीडियो लाते रहते हैं, टेक्निकल ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियोज़ खासकर, और ऑनलाइन से शॉपिंग वक्त जो कुछ सेल और लगा होता है, लूट प्राइस में मिलता है, उसके बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पे डोर पे भी कहीं कहीं थोड़ा दाग था, वहाँ पे भी मैं मार दिया हूँ। तो दोस्तों, एक ही वायर था, क्योंकि अगर मैं सही तरह से लगाना चाहूँ तो ये सफिशियंट नहीं होता, इतने में ही वो ख़त्म हो गया। और लगा देने के बाद जब मैं कपड़े से इसको साफ़ किया तो दोस्तों वाकई में काफ़ी ज़बरदस्त लुक आ चुका है डैशबोर्ड का। स्टेयरिंग के पास भी देखिए, लुक काफ़ी ज़बरदस्त आ चुका है, बिना पॉलिश किए हुए डैशबोर्ड का क्लीन जो है काफ़ी ज़बरदस्त हो चुका है।